हेलो एवरीवन, आज की जो सीरीज़ है दोस्तों वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके अंदर मैं आपको सारे गेट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम अनुप लांबा है। मास्टर्स जो की है मैंने वो IIT दिल्ली से की है। इसके अलावा IIT JEE, CSIR NET और IIT GATE तीनों ही एग्ज़ाम जो है मैंने वो काफ़ी अच्छे रैंक्स के साथ में क्लियर भी कर रखे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ा भी रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वहां से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये प्लस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। अगर किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं जी, ठीक है। क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं और हाफ एन आवर के बाद में आपकी जो PPT है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है, PDF जनरेट हो जाती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीकली टेस्ट मिलेंगे, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका वो वेल मैनर में डिजाइंड होता है। कहने का मतलब क्या, टीचर पहले ही एक मंथ पहले ही आपको ये बता देता है कि इस डेट पे ये वाली क्लास होने वाली है, तो आप सब लोग जो है वो पहले से क्या रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं अच्छे से और आप सारी चीज़ों को क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस से कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी टीचर की जो क्लास है ना वो कभी भी देख सकते हो, जब भी आपका मन करे, ठीक है। कितने भी टीचर की क्लास देख सकते हो और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उस क्लास को आप देख सकते हो, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो हो बेहतरीन बन जाता है दोस्तों। आपके पास में वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने कुछ बैचेस चल रहे हैं, जैसे पहला बैच जो है वो आपका ऑर्गेनिक स्पेशल बैच है, दूसरा जो है आपका मार्वल्स बैच है और थर्ड आपका एक्सेल बैच है। ये एक्सेल बैच जो है वो CSIR नेट के लिए है और ये दोनों आपके IIT JEE के लिए हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आपको ये बिल्कुल फ्री जो है ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगी। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद में ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल में आप IIT JEE या CSIR NET सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके मंथ वाइज जो है वो प्लान्स आ जाएंगे। वहाँ पे जितने भी मंथ का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसे आप परचेज कर सकते हैं। बस उस टाइम पे नीचे ऑल 10 कोड लगाना ना भूले। अगर आप ऑल 10 कोड लगाते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है दोस्तों वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑल 10 कोड लगा लेना। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका वो स्पेशल क्लासेस का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट करना है। जर्नली आप यहाँ पे IIT JEE सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग नेट JEE गेट तीनों का अच्छे से सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वरना आप CSIR NET भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप आगे चलोगे तो आपको सिंपल ऑल 10 कोड लगाना है। अगर आप ऑल 10 कोड लगा देते हो दोस्तों तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स सारी क्लासेस अवेल हो जाएंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है, यहाँ पे डाउट डिस्कशन पड़े हुए हैं इंटरमीडिएट के, हेट्रोसाइक्लिक के, ऑर्गेनोमेटलिक्स के, इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के, नेम रिएक्शन के, स्टीरियो केमिस्ट्री के, ये तो मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं और केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो फील्ड भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पे जुड़ के सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उस टाइम पर ओल्ड 10 कोड लगाना ना भूलें। ये रिस्पेक्टिव फीस है, इस फीस को आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों
टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी अभी रनिंग में है, तो इस लिंक को फॉलो कर लेना या बार कोड को स्कैन कर लेना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुँच जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज वगैरह को दे सकते हैं जी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है रैंक। सब लोग इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब देंगे कि इसका क्या करेक्ट जवाब जाने वाला है, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आपके सामने क्या दे रखा है, एक टर्सरी अमीन दे रखी है, एक फोस्फीन दे रखी है, इसके अलावा एक एलिन्स है और एक आपका कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है, ठीक है, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब मैं आपको स्टीरियो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर किसी भी मोलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल सेंटर अगर होता है तो कंपाउंड ऑलवेज कैसा होता है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक COH है और एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब इस वाले सेंटर के ऊपर आपका क्या है, आपका बस एक, इस कंपाउंड के अंदर केवल एक ही कायरल सेंटर है। और जब भी एक कायरल सेंटर होता है दोस्तों, तो उस केस में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है आपका, कायरल, और कायरल के साथ में कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। दूसरे केस में दोस्तों यहां पे अगर एलीन की बात की जाए तो CH3 है, PH है, फिर से PH है, फिर से CH3 है, यहां पे दोनों ही टर्मिनल कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और ये किसकी है, आपकी E1 की एलीन्स है, और E1 की एलीन्स में टर्मिनल वैलेंसीज कैसी होती हैं, जब भी डिफरेंट होती हैं तो उन केसेस में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ना ही आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और ऐसे कंपाउंड आपके कैसे कहलाते हैं, कायरल, और कायरल के साथ में ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं दोस्तों। तो ये दूसरा कंपाउंड है आपका नीचे से, ये भी आपका कैसा होगा, कायरल कंपाउंड ही होगा। अगर मैं इस फोस्फीन की बात करता हूं तो देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसके पास में चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं और इसके पास में भी कितने टाइप के ग्रुप हैं, चार ही डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, आपके कायरल होने चाहिए। अब देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे कंसेप्ट लगता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी का। जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी, कि मान लीजिए कोई भी आपके पास में कंपाउंड है और उसमें अगर सेंट्रल एटम आपका किसका है, थर्ड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड रहा हो, थर्ड पीरियड का रहा हो, या फिर थर्ड पीरियड कैसा रहा हो आपका, ऑनवर्ड रहा हो, तो उन केसेस में दोस्तों होता क्या है कि यहां पे जो एनर्जी गैप होते हैं sp3 से p के, ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है, और एनर्जी गैप हाई होने की वजह से यहां पे ट्रांजिशंस जो होते हैं ना वो पॉसिबल नहीं होते हैं, और जब ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होते हैं तो फिर ये सारे के सारे जिसमें भी सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होता है, वो कंपाउंड सारे के सारे कैसे होते हैं, रिजिड कंपाउंड कहलाते हैं। और अगर कोई भी रिजिड कंपाउंड है तो उसके अंदर हम लोग POS COS को क्या कर डालते हैं, चेक कर डालते हैं, और अगर POS में से और COS में से अगर कुछ भी नहीं आता है देन वो कंपाउंड कैसा कहलाता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कहलाता है। तो देखिए अगर ये कंपाउंड अगर आपका कैसा है, अगर इस कंपाउंड को चेक कीजिए कैसा, चारों डिफरेंट ग्रुप है, ना POS होगी ना COS होगी, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, कायरल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए। तो गेट ने क्वेश्चन आपका पूछा था, आप इसको बता सकते हैं कि इस केस में दोस्तों चारों ही ग्रुप्स कैसे हैं आपके, डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अमीन्स के केस में sp3 से p का जो एनर्जी गैप होता है ये 25 से 30 किलो जाउल पर मोल के बीच में होता है, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको मिल जाती है। जब ट्रांजिशंस होंगी, यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशंस होंगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, फ्लक्सोनियल बन जाता है, और जब मॉलिक्यूल फ्लक्सोनियल बन जाता है तो फिर हम लोग इसको कैसा बोल देते हैं, अकायरल। क्यों, क्योंकि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसमें और इसकी मिरर इमेज में, तो टोटल सॉल्यूशन जो है इसका, जो सॉल्यूशन जो है वो क्या कर जाता है, रेसमिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रेसमिक सॉल्यूशन बनाएगा तो आपको पता है कि रेसमिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो होगा आपका वो कैसा जाएगा, सही जवाब जाने वाला है। ओके, गॉट इट, आई बात समझ में, चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोलो यार सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए, सब लोग फटाफट कमेंट कीजिए।
ये अगला क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया था द मोलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट एज मीजो कंपाउंड, इनमें से कौन सा वाला मोलिक्यूल जो है वो मीजो कंपाउंड कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, मीजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं पहले तो आपको ये सीखने की जरूरत है। मीजो कंपाउंड जनरली वो कंपाउंड होते हैं दोस्तों जिनके पास भी दो कंडीशन नहीं हो, एटलीस्ट उसके पास में क्या हो, एटलीस्ट टू कायरल सेंटर होने चाहिए पहली बात, दूसरी उसके अंदर पीओएस और सीओएस में से एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। अगर वन अगर उसमें से प्रेजेंट होगी तो उस केस में वन इज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उन केसेस में अगर ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली दोस्तों फॉलो हो रही होंगी तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, मीजो कहलाएगा, वरना ये कंपाउंड मीजो नहीं कहलाएगा। तो जब आप इन तीनों कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर चेक करने जाओगे तो ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी ये दोनों कायरल सेंटर हैं और इस केस में यहाँ पे कोई कायरल सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें दो कायरल सेंटर हैं लेकिन इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसलिए एम तो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, आपका मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता है। अब देखिए जनरली अगर यहां पे बात की जाए दोस्तों तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें तो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख जाएगी, जब इसमें चेक करोगे तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो जनरली आप एक बात बोल सकते हो कि जो ये वाला साइक्लोहेक्सेन है ना, ये एक से ज्यादा कंफर्मर्स में एग्जिस्ट करता होगा। तो इनमें से आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको चेयर में ड्रॉ करोगे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसकी जब आप बोट फॉर्म ड्रॉ करोगे तो उस बोट फॉर्म में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिखाई दे जाएंगी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जनरली ये कंपाउंड जो है वो मीजो कहलाता है दोस्तों। ये कंपाउंड कैसा कहलाता है, मीजो कहलाता है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। किसी एक कन्फर्मर में भी अगर वो मीजो आ रहा होगा तो फिर वो कैसा कहलाएगा, आपका मीजो कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा आयुपैक क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका डायस्टीरियोमर अगर कायरल होता है तो फिर वो कंपाउंड कैसा होगा, आपका वो कंपाउंड मीजो कहलाएगा। तो इसका डायस्टीरियोमर यही है ना, और इसका डायस्टीरियोमर कैसा है, कायरल है, तो फिर ये कैसा कहलाएगा, मीजो कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ रिजोल्वेबल कॉन्फिग्रेशनल इनेंशुमर्स इज गिवन बाई, इनमें से कौन से वाले केस में इनेंशुमर्स जो है वो रिजोल्वेबल होंगे, पेयर जो है वो इनेंशुमर्स का रिजोल्वेबल होगा। आइए जरा बना के देखते हैं। अगर मैं इन सब को बनाता हूं तो देखो 1, 2 अगर आपके पास में यहां पे CH3 है और इस वाली पोजिशन पे CH3 है, ये दोनों सिस लगे हुए हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है, बी कह रहा है 1, 3 पोजिशन के ऊपर दोनों मिथाइल कैसे लगे हुए हैं, सिस लगे हुए हैं। अगले केस में क्या कह रहा है, अगले केस में 1, 4 पोजिशन पे सिस कह रहा है, और लास्ट केस में क्या कह रहा है आपका 1, 3 पोजिशन के ऊपर ट्रांस लगे हुए हैं। देखिए रिजोल्वेबल वर्ड जो होता है ना दोस्तों, वो मैंने आपको सिखाया है, बहुत बार बताया है कि रिजोल्वेबल वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों स्पेशली इनेंशियोमर्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, इनेंशियोमर्स के लिए यूज किया जाता है। तो जब आप यहां पे चेक करोगे ना तो देखिए यहां पे ये कंपाउंड तो अभी आपने मीजो बोला है, ये कंपाउंड भी कैसा है, मीजो है, और यहां पे आपका क्या आ रहा है, इस कंपाउंड के अंदर दो कायरल सेंटर के साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, सॉरी इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जब आप इन सब कंपाउंड्स को चेक करोगे ना तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ में इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, अकायरल आ जाएगा। ये जिन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो दोनों फॉर्म इतनी ज्यादा इंटरकन्वर्टेबल होंगी एक दूसरे के अंदर कि वहां पे एनर्जी जो होती है वो आपकी डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो दोस्तों। एनर्जी भी मैंने आपकी ब्यूटेन गोश इंटरेक्शन से इसके निकालनी सिखाई थी,
जब सिस वाला आपके पास में होता है तो इसकी एनर्जी आती है 2.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, बताई थी ना। तो इतना रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है कि आप उसको फिर सेपरेट नहीं कर पाते हो, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये जो ट्रांस वाला है, ये ट्रांस वाला कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और इनेंशियोमर हमेशा कैसे होते हैं आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर प्लेन ऑस्मेट्री होगी ना सेंट्रल ऑस्मेट्री होगी। तो एक पेयर ऑफ इनेंशियोमर यहां से क्या होगा, जनरेट होगा, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स जो है आपका वो यहां से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स अगर जनरेट होगा तो फिर क्या बोलेंगे, उसको सेपरेट कर पाना दोस्तों कैसे होगा, इजी होगा। इसलिए कौन सा वाले को आप रिजोल्व कर सकते हो, जो डी वाला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल यहां पे सही जाने वाला है, डी जवाब जो होगा वो यहां पे बिल्कुल सही जाने वाला है। तो दोस्तों आप सब लोग, मैं बता दें, अगर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जो चैनल है जो अन अकेडमी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है उसके ऊपर अगर कोई गलत कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाता है तो उस केस में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और फिर उस क्वेश्चन के बेस आपको कुछ प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग प्लीज इस प्रोफाइल को फॉलो कर डालेंगे, और अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें नोटिफाई का एक ऑप्शन आता है, उसको आप जरूर दबा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल डायरेक्टली नहीं दिखती है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, तो सिंपली अनुपलांबा डालना है वहां पे और डायरेक्ट आप प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हैं ये इसको सब्सक्राइब कर डालिए सबसे पहले, रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, और बेल आइकन को दबा डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि वो सारे के सारे लोग क्या कर पाएं, इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं चीज़ों को अच्छे से, और डाउनलोड कर डालना है जो भी PDF आती है टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन।